हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि डॉल्फिन आरओ की कंप्लीट सर्विस कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आरओ के दोनों कवर्स को हटा लेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें 4 फिल्टर्स लगे हुए हैं, तो हम इन चारों को भी एक एक करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अपने चारों फिल्टर्स आरओ से बाहर निकल चुके हैं। ये एक फ्लोट स्विच है, इसका पुराना फ्लोट स्विच भी ख़राब हो गया है, तो हम इसे भी निकाल लेंगे। और आरओ में से सभी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी निकाल देंगे। तो यहाँ पे अपना आरओ एकदम खाली हो चुका है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सारी नई चीज़ें इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले इसमें नया फ्लोट स्विच लगा लेते हैं। तो इसका फ्लोट स्विच अच्छे से लग चुका है और अब बारी है इसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस की। तो ये है एक SMPS 24 वोल्ट्स 2.5 एम्पियर्स का। अब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। SMPS के कनेक्शंस में आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो फ्लोट स्विच लगेगा वो इसके AC इनपुट पे लगेगा, ना कि DC आउटपुट पे। कई लोग क्या करते हैं कि AC को डायरेक्ट कर देते हैं और DC आउटपुट पे स्विच लगा देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है। आपको AC इनपुट लाइन में फ्लोट स्विच लगाना है। तो यहाँ पे फ्लोट स्विच से एक वायर जोड़ लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्लोट स्विच से एक वायर मैंने जोड़ लिया है और अब इसके बाद में इसको SMPS के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे SMPS और फ्लोट स्विच का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें पावर केबल और कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने पावर कनेक्शंस हो गए हैं कंप्लीट। अब हम एक मल्टीमीटर की मदद से इसकी आउटपुट वोल्टेज को चेक कर लेंगे। तो ये करेक्ट आउटपुट दे रहा है। अब हम SMPS के आउटपुट से पंप और सोलेनोइड वॉल्व को भी कनेक्ट कर लेंगे। सोलेनोइड वॉल्व के कनेक्शंस में आपको ये ध्यान देना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेट पोलैरिटी में लगें। अगर ये दोनों रिवर्स हो गए तो सोलेनॉइड वॉल्व काम नहीं करेगा और आरओ में से बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा। तो यहाँ पे सभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हो गए हैं कंप्लीट। अब हम पंप और SMPS को आरओ बॉडी में रख लेंगे। अब हमारा अगला स्टेप होगा फिल्टर इंस्टॉल करना। तो ये है मेरे पास में कार्बन एलिमेंट, ये है सेडिमेंट फिल्टर। और ये है पोस्ट कार्बन एलिमेंट। तो अब हम इन तीनों को भी इंस्टॉल कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें पुराने फिल्टर्स में से एल्बो निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी पुराने एल्बोज निकाल लिए हैं। अब हम इन एल्बोज को नए फिल्टर्स में इंस्टॉल कर लेंगे। अब आरओ में सबसे पहले लगाना है सेडिमेंट फिल्टर। जो इनपुट वाटर आएगा वो सबसे पहले सेडिमेंट फिल्टर में जाएगा। इसके बाद में आपको लगाना है प्री कार्बन फिल्टर। एरो का ध्यान रखना है, इस पे फ्लो का एरो दिया हुआ रहता है। अब इसके आउटलेट को बूस्टर पंप के इनलेट के साथ कनेक्ट कर लेंगे। थर्ड नंबर पे लगती है मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन लगाने के लिए हमें सबसे पहले मेम्ब्रेन हाउसिंग ओपन करनी पड़ेगी, लेकिन ये जाम हो गई है। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, आप गर्म पानी लीजिए और मेम्ब्रेन हाउसिंग को उल्टा करके इसमें डुबा दीजिए। तो इससे होगा ये कि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और फिर इजीली ओपन हो जाएगी। ध्यान रहेगी पानी उबलता हुआ ना हो, नहीं तो ये मेल्ट भी हो जाती है। तो यहाँ पे अपनी मेम्ब्रेन हाउसिंग हो गई है ओपन। अब हम इसमें से मेम्ब्रेन एलिमेंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, इसकी जो ओरिंग थी वो भी डिफॉर्म हो गई है। तो इसमें हम ओरिंग भी नई इंस्टॉल कर लेंगे। अब हम इसमें नई मेम्ब्रेन लगा लेंगे। ये मेरे पास में एक CSM मेम्ब्रेन है। मार्केट में डुप्लीकेसी बहुत है। अगर आपको भी जानना है कि हम कैसे ओरिजिनल और डुप्लीकेट चेक करते हैं तो कमेंट करिए, मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि ओरिजिनल मेम्ब्रेन को कैसे पहचाना जाता है। तो यहाँ पे मैंने मेम्ब्रेन इंस्टॉल कर ली है। अब इस हाउसिंग को वापस टाइटली क्लोज कर देंगे। अब इस मेम्ब्रेन में से जो प्योरीफाइड वाटर आएगा वो इसमें से आएगा और ये साइड वाले में से आएगा वेस्ट वाटर। तो अब हम इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले वेस्ट वाटर को आउटलेट के संग कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में पंप आउटपुट को मेम्ब्रेन इनपुट पे लगा लेंगे। और अब इसमें ओडर रिमूवल के लिए पोस्ट कार्बन एलिमेंट और लगाते हैं। तो इसमें भी फ्लो के एरो का ध्यान रखते हुए कार्बन एलिमेंट के इनपुट पर मेम्ब्रेन के फ्रेश वाटर या फिर कह सकते हैं प्योरीफाइड वाटर के आउटपुट को कनेक्ट कर लेंगे। और कार्बन एलिमेंट के आउटपुट से हमारा आएगा फाइनल जो प्योरीफाइड वाटर है वो। तो आरओ टैंक में जो पाइप जाता है उसको हम पोस्ट कार्बन एलिमेंट के आउटपुट से कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे सभी फिल्टर्स भी प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब फाइनली हम इसके प्री फिल्टर को भी रिप्लेस कर लेंगे। प्री फिल्टर भी एक टाइप का सेडिमेंट फिल्टर ही होता है, बस ये थोड़े बड़े साइज के सेडिमेंट पार्टिकल्स को फिल्टर करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्री फिल्टर बहुत गंदा हो रखा है, तो प्री फिल्टर को टाइम टू टाइम साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम प्री फिल्टर हाउसिंग को साफ कर लेंगे। तो यहाँ पे अपनी प्री फिल्टर हाउसिंग हो गई है साफ। अब इसमें नया फिल्टर इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये है 9 इंच की थ्रेड कैंडल। अब इसको प्री फिल्टर हाउसिंग में इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे आरओ की सर्विस हो चुकी है कंप्लीट। अब बारी है इसके टेस्टिंग की। तो यहाँ पे मैंने वाटर सप्लाई ऑन कर दी है। अब हम इसको आरओ के इनलेट के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सभी पाइप कनेक्शंस को एक बार रीचेक करके हम पावर सप्लाई ऑन कर देंगे। अब इसके आउटलेट पे हमें लगाना होगा एक फ्लो रेस्ट्रिक्टर। तो ये मैंने FRT 450 यूज़ की हुई है। ये डिपेंड करती है कि आपने मेम्ब्रेन कितने GPD की यूज़ करी है, पंप का फ्लो रेट कितना है, उसके बेसिस पे आप फ्लो रेस्ट्रिक्टर डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्योरीफाइड वाटर आना चालू हो गया है। ये है वेस्ट वाटर आउटलेट। प्योरीफाइड वाटर का फ्लो रेट भी काफ़ी अच्छा है और ये हमारा फ्लोट वाल्व भी अच्छे से काम कर रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।